अब्दुल रज़ाक एम सी स्टैन की नई दुश्मनी पर शालीन भनोट ने मारा ताना, बोले मुझे नहीं मंडली टूटने की खबर। बिग बॉस 16 की मंडली ने बहुत कम वक्त में लोगों का दिल जीत लिया। कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 16 के ये 6 कंटेस्टेंट्स ने साबित कर दिया कि घर में लड़ाई ही नहीं दोस्ती भी हो सकती है। शिव ठाकरे, साजिद खान, अब्दुल रज़ाक एम सी स्टैन, निमृत कौर आलूवालिया और सुम्बुल तौकीर खान हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। चाहे कुछ भी हो, ये हमेशा बिग बॉस में साथ ही दिखे। हालांकि एम सी स्टैन और अब्दुल रज़ाक के बीच दरार के कारण अब मंडली टूटने की कगार पर आ चुके हैं। तजाकिस्तानी सिंगर अब्दुल रज़ाक ने बिग बॉस 16 के विनर एम सी स्टैन के खिलाफ कुछ चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं और कुछ खुलासे भी किए, लेकिन शिव ठाकरे ने इस पर कहा था कि वह ऐसा लगता है कि दोनों के बीच गलतफहमी हो चुकी है। अब बिग बॉस 16 के कई कंटेस्टेंट्स इस नई दुश्मनी पर कमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें अब नया नाम शालीन भनोट का भी जुड़ चुका है। वैसे शालीन भनोट चारों ओर हो रहे एम सी स्टैन और अब्दुल रज़ाक के इस हो हल्ले से काफी ज्यादा अनजान है। अब हाल ही में एक इवेंट में शालीन भनोट से एम सी स्टैन और अब्दुल रज़ाक के अनबन पर जब क्वेश्चन किए गए तो एक्टर ने कहा कि वो काम में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि उन्हें किसी और चीज़ के बारे में पढ़ने का कोई भी टाइम नहीं मिल रहा। उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने ही घर में झगड़े को संभालने में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं क्योंकि उनकी माँ उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। इसका कारण उनका बिजी वर्क शेड्यूल है जिसके कारण वो घर पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। शालीन भनोट ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी एक और बिग बॉस के अंदर हूँ। मैंने अपना कमरा देखा है जहाँ मैं जागता हूँ, फिर मैं अपनी कार देखता हूँ, फिर वैनिटी और फिर सेट और फिर इसके बीच घूमता रहता हूँ। मैंने इसके अलावा पांचवी चीज देखी ही नहीं है। और जब से मैं बाहर आया हूँ, आपको बता दें कि बिग बॉस 16 के बाद शालीन भनोट एकता कपूर के शो बेकाबू में नजर आ रहे हैं। शो में उनका लीड एक्टर का रोल है। ये शो हाल ही में ऑन एयर हुआ है और शालीन के रोल के लिए उन्हें काफी ज्यादा सराहना भी मिल रही है। इसके अलावा शालीन एक वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं जिसके बारे में जल्द ही वो खुलासा भी करने वाले हैं। भला आपका शालीन भनोट की कही इन बात पर क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।